अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यह है कि डीपीसी क्या है और डीपीसी करने के बावजूद भी जगह में दरार पैदा हो जाते हैं और जगह में मॉइस्चर ज़्यादा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जगह बिल्कुल पुरानी लगती है और उसमें जब हम कलर भी करवाते हैं तो कलर जो है वो उखल जाता है। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? डीपीसी मतलब कि डैम्प प्रूफ कोर्स, और डैम प्रूफ कोर्स का मतलब भी यही है कि वाटर प्रूफ। जब उससे मॉइस्चर ऊपर जाती है और जगह जो है वो सेलन पैदा करती है तो फिर वो डीपीसी तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए हमें डीपीसी करते वक्त ये फिक्सिट का केमिकल है, वाटर केमिकल, ये सीमेंट के साथ मिक्स करके फिर डालना चाहिए। तो इस लेयर के मदद से मॉइस्चर जो है वो ब्रिक्स की तरफ, इस डीपीसी के ऊपर की तरफ, बिल्डिंग की तरफ, वॉल्स को कभी भी मॉइस्चर पैदा नहीं होगी। जहाँ पर लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं तो वहाँ पर चंद रुपया भी खर्च हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाटर केमिकल है, ये डैम प्रूफ कोर्स के लिए बेहतर है। तो इससे मॉइस्चर भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी ऊपर की तरफ, और उसके साथ साथ ये जो जगह में दरार पैदा हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो डीपीसी है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग हो जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जो जगह है वो मजबूत हो जाएगी। और दूसरी बात के अगर हम डीपीसी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते तो फिर ऐसी कोई और चीज़ जो कि डीपीसी के तरह ही काम करे बिल्डिंग में, तो दोस्तों वहाँ पर फिर हमें प्लिंथ बीम बनाना चाहिए। प्लिंथ बीम भी डीपीसी की तरह ही काम करता है, बल्कि डीपीसी से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। डीपीसी हो या प्लिंथ बीम हो, लेकिन शर्त यह है कि बीम या डीपीसी बन जाए और उसके बाद हम जब भरावा करते हैं जगह के अंदर या बाहर की तरफ, तो वो भरावा जो है मट्टी का वो प्लिंथ बीम से या डीपीसी से ज़्यादा ऊपर ना जाए, उससे बल्कि 3-4 इंच कम हो, उसके बराबर में भी ना होनी चाहिए। तो अगर वो उस प्लिंथ बीम से या डीपीसी से ऊपर आ जाती है तो फिर सेलन जो है, मॉइस्चर जो है वो ऊपर जा सकती है। तो इसलिए हमेशा हमेशा जो मिट्टी का भरावा होता है, मिट्टी का भरावा प्रोवाइड किया जाता है, वो बिल्कुल 3-4 इंच उस डीपीसी या प्लिंथ बीम से कम होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है बिल्डिंग की वो यही है कि मॉइस्चर का ऊपर जाना। डीपीसी से जब भी मॉइस्चर ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर जगह जो है वो, बिल्डिंग जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है और उसमें दरार भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं और उसमें कलर जो है वो भी उतरना शुरू हो जाता है। उसके अलावा वो जगह जो है वो बिल्कुल भी पुरानी लगनी शुरू हो जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा ख़त्म हो जाता है और कभी कभार बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो इसलिए बिल्डिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले डीपीसी बनाई जाती है ताकि उसको स्ट्रेंथ आए, वो स्ट्रांग हो। लेकिन डीपीसी में भी हम मिस्टेक कर लेते हैं, या तो पैसे सेविंग करने के वजह से या तो पैसा बचाने की वजह से, तो जिसकी वजह से वो पूरा जो पूरा बिल्डिंग है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए ये जो केमिकल है, ये वाटर केमिकल, ये ज़रूर डालना चाहिए डीपीसी में, ताकि वो बिल्डिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।